उज्जैन विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक बुधवार को आयोजित हुई। प्राधिकरण सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023 एवं 24 के लिए 2050 करोड़ की आय एवं 228 करोड़ के व्यय प्रस्तावित किए गए। इस प्रकार 22 करोड़ के लाभ का बजट यहां पर रहेगा। बैठक में आवासीय योजना टीडीएस 3 ग्राम नीमनवासा लालपुर एवं नागझिरी, वही दत्तरावदा एवं टीडीएस 4 नीमनवासा एवं कोटी महल में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत धारा 50(3) में की गई कार्रवाई की पुष्टि एवं आगामी कार्य योजना तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं प्राधिकरण की विभिन्न योजनाएं जिसमें त्रिवेणी विहार, शिप्रा विहार, वसंत विहार, महानंदा नगर, महाकाल वाणिज्य केंद्र में विभिन्न आकार के भूखंडों एवं भवनों को बेचने की अनुमति दी गई है। एक अन्य निर्णय में 3 नई आवासीय योजना टीडीएस 5 ग्राम नीवनवासा दत्तरावदा, टीडीएस 6 ग्राम दत्तरावदा लालपुर, टीडीएस 7 ग्राम हक्कानीपुरा खिलचीपुर की भूमियों को अधिग्रहण करने की स्वीकृति भी दी गई है। बैठक में यूडी अध्यक्ष श्याम बंसल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, वन मंडल अधिकारी किरण बिसेन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सारे विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन महत्वपूर्ण एक विषय है कि अभी तक हमारा बजट प्राधिकरण का 120-122 करोड़ रुपए था। इस बार बजट हमने बढ़ा करके जस्ट डबल से ज़्यादा 250 करोड़ से ऊपर हमने किया हुआ है, और मेरा ऐसा मानना कि जितना हमने बजट किया है उससे कहीं ज़्यादा ही होने वाला है, पर उसमें कमी आने वाली नहीं है। दूसरा जो हमारा एक बड़ा काम है, जो हमारी कानीपुरा में TDS 3, 4, 5, 6 मैंने पहले भी बताया है आपको कि 3 और 4 तो लगभग अप्रूवल की तरफ हो रहे हैं, और 5 और 6 स्कीम हमने 501 की कार्रवाई के लिए भी राज्य शासन को भेजने का निर्णय लिया है। उसके साथ कानीपुरा में लगभग 150 एकड़ के लगभग ज़मीन है वहाँ पर, क्योंकि कानीपुरा बहुत तेज़ी डेवलप हो रहा है, और उसमें भी 501 की कार्रवाई के लिए राज्य शासन को भेजने का निर्णय हो चुका है। उसमें सबसे बड़ी बात ये तय हुआ है आज के, अब हमको उसमें छोटे छोटे पार्क नहीं बनाना है। छोटे पार्क बनाने से कोई आनंद नहीं आता, अच्छे बड़े पार्कों का उसके अंदर निर्माण हो। सिटी फॉरेस्ट जैसा कंसेप्ट रहता है विदेशों के अंदर, बड़े बड़े झाड़ों बीच में गलियारे हों तो लोग घूमें फिरे, उसमें एक सिटी फॉरेस्ट भी बनाने का काम चलना चाहिए। तो एक सुंदर ट्रांसपोर्ट जो हो, जैसा इंदौर में भी बन रहा है, इस देश का प्रथम ऐसा मानते हैं, जो सुनते हैं, देखा तो मैंने भी नहीं है कि देश का पहला ऐसा ट्रांसपोर्ट रहेगा कि बहुत ही सुंदर बनेगा, उस तरह से भी एक ट्रांसपोर्ट उसी विक्रम नगर में बनाने की हमारी योजना है।